तो यार कैसे हो। तो आप देख रहे हैं डेंजर मास्टर चैनल। तो फिर से हम आ चुके हैं ब्रांड न्यू इवेंट टॉपिक की वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल के अंदर आने वाले न्यू फीचर्स के बारे में। तो हाँ गाइस, पबजी मोबाइल के अंदर आने वाले हैं VRDM कार और लूट ट्रैक, जो हमें लूट देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो, ये जो लूट ट्रैक है ये आने वाला है पबजी मोबाइल का सन ऑफ जो मैप है उसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और किसी मैप पे आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो इसको लूटने के लिए देख सकते हो कितना सारा एनिमी आ चुका है इसको लूटने के लिए, इसका पीछे पीछे दौड़ रहा है। इसको लूट कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूँ। तो भाई इसके अंदर से लूट लेने के लिए आपको इसको डैमेज देना पड़ेगा। तो गाइस आप जैसे जैसे डैमेज देते रहोगे ये लूट गिराते रहेगा, और इसके अंदर बहुत ही कमाल का लूट है। देख सकते हो कितना अच्छा लूट है, लेवल 3 का हेलमेट भी बहुत ही अच्छा लूट दिख रखा है। देख सकते हो इसके ऊपर भी लूट है और इसका अंदर भी लूट है। तो इस ट्रैक को आप इतना आसानी से ब्लास्ट नहीं कर सकते। तो इसको ब्लास्ट करने के लिए आपको रॉकेट लॉन्चर भी चाहिए और बहुत सारा गन की एमओ भी चाहिए, और आपको पूरा स्क्वाड मिलके डैमेज देना होगा। लेकिन फिर भी नहीं हो सकता है ब्लास्ट, क्योंकि इसका डैमेज लेने का पावर बहुत ही ज़्यादा है। तो भाई इसको ब्लास्ट करने के बाद ध्यान से आप लूट करने जाना, नहीं तो आप जब ब्लास्ट करोगे तो साइड से आपको एनिमी मार सकता है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कितना सारा लूट, भाई बहुत ही खतरनाक वाला लूट दे रखा है इन लोगों ने। तो भाई देख सकते हो इसको ब्लास्ट करने का भी बहुत ही अच्छा तरीका सोचा है एनिमी ने, लेकिन इसको ब्लास्ट नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो कितना सारा VRDM रोड पे रख दिया है, लेकिन ये जो ट्रैक है ये सबको उड़ा के चला जाएगा। देख सकते हो भाई इतना सामने जो भी आ रहा है ना सबको उठा उठा के फेंक रहा है, मतलब जितना देर तक ये ब्लास्ट नहीं होगा तो इसका सामने कुछ नहीं टिक सकता। भाई साहब VRDM को कैसे कैसे ब्लास्ट कर रहा है देखो भाई। तो गाइस देख सकते हो कितना सारा VRDM ब्लास्ट होने के बाद एक कार भी ब्लास्ट हो गया। तो अब जाके इसको आप लूट सकते हो। तो भाई लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूँ SF4 आपको देखने को मिलेगा। तो SF6 में की जो रोड है उसके ऊपर से चलने वाला है, तो इसके सामने कुछ नहीं टिकने वाला, आप तो वीडियो में देख चुके हो। तो यार अगर आप सोच रहे हो कि इसके सामने खड़ा होकर हाथ हिला के लिफ्ट मांगोगे तो भाई आप गलत सोच रहे हो, इसके सामने कुछ नहीं टिकने वाला। अगर आप कार भी लेके जा रहे हो ना इसके सामने तो आपका कार और आपको कुचलते हुए चला जाएगा, तो डायरेक्ट लूट ट्रैक आपको लॉबी में पहुंचा देगा। तो भाई काफ़ी मज़ा आएगा सनक मैप को खेलते हुए। तो यार आज के लिए इतना ही। और हाँ भाई, और एक बार नीचे जो लाल वाला बटन है ना उसका सिर्फ कलर चेंज कर दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। जय हिंद।